तो यहाँ पर हम जब हमने ऑक्सीडेटिव एडिशन पढ़ लिया है, हमने रिडक्टिव एलिमिनेशन पढ़ लिया है, हमने माइग्रेटरी इंसर्शन पढ़ लिया है, तो अब हम देखेंगे डिफरेंट टाइप की जो कैटालिटिक रिएक्शंस हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे, और स्पेशली इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे अबाउट कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन, होमोजीनियस कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन। तो अब आपके माइंड में क्लियर होना है, होमोजीनियस मीन्स जो यूनिफॉर्म थ्रू आउट है, मीन्स जो कैटालिस्ट है उसकी फेज वही है जो रिएक्शन मिक्सचर की फेज है। और यहाँ पर हम हाइड्रोजिनेशन की बात कर रहे हैं, हाइड्रोजिनेशन मीन्स एच का जुड़ना। तो ऑलिफिन में जब हाइड्रोजन जुड़ेगा तो एल्केन्स का फॉर्मेशन होगा, लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ होमोजीनियस कैटालिस्ट। तो जो होमोजीनियस कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन होता है, इसे हम एल्कीन हाइड्रोजिनेशन भी कह रहे हैं, क्योंकि जो एल्कीन्स हैं उनमें हाइड्रोजन का एडिशन होगा, और हाइड्रोजन का एडिशन होगा जनरली इन द प्रेजेंस ऑफ होमोजीनियस कैटालिस्ट। और जो होमोजीनियस कैटालिस्ट यहाँ पर यूज होते हैं वो रोडियम के और रोडीनियम के यूज होते हैं, और इनकी प्रेजेंस में जो ऑलिफिन है वो एल्केन में कन्वर्ट होता है। तो ये जो रिएक्शन है वो है होमोजीनियस कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन, कन्वर्जन ऑफ एल्कीन्स टू एल्केन्स इन प्रेजेंस ऑफ होमोजीनियस कैटालिस्ट इज नोन एज होमोजीनियस कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन। ओके, और ये जो होमोजीनियस कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन है, इट इज वेरी सिलेक्टिव एंड सेंसिटिव टुवर्ड्स स्टेरिक हिंड्रेंस। ये हम देखेंगे विद द एग्जांपल्स, बहुत सिलेक्टिव है, तो सिलेक्टिवली हम होमोजीनियस कैटालिटिक प्रोसेस को यूज कर सकते हैं। इस प्रोसेस में हमने कहा कि ये जो कार्बन कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड है ये तो हाइड्रोजिनेट होगा, बट अदर काइंड के जो डबल बॉन्ड्स हैं उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो कभी भी हाइड्रोजिनेट नहीं होंगे। जैसे NO2 है, CO है, तो वहां पर हाइड्रोजिनेशन नहीं होगा। और यहाँ पर रीअरेंजमेंट रिएक्शंस या डिसोसिएशन रिएक्शन, इस तरीके की कोई रिएक्शन नहीं होती है। यहाँ पर कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन में आप देखेंगे जहां पर C डबल बॉन्ड C होगा वहां पर हाइड्रोजिनेशन करेगा, एंड अगेन अगेन आई एम टेलिंग यू दैट इट इज सेलेक्टिव एज वेल एज सेंसिटिव टूवर्ड्स स्टेरिक हिंडरेंस। तो स्पेशल जगह पर हम इसका यूज कर सकते हैं कि हमें कहां पर यूज करना है। जो कैटालिटिक एल्कीन हाइड्रोजिनेशन है, अगर हम उसका क्लासिफिकेशन देखेंगे तो जनरली इट इज ऑफ थ्री टाइप्स, ये तीन तरीके की होती है। एक ऑक्सीडेटिव एडिशन के थ्रू होगा, जो रिएक्शन है वहां पर आप देखेंगे। एक्चुअली ये जो एल्कीन हाइड्रोजिनेशन है ये बेस्ड है, इसकी तीन कैटेगरी हमने करी है, दैट इज बेस्ड ऑन एक्टिवेशन ऑफ H2, यानी जो H2 का जुड़ना है, एक्टिवेशन मींस जो H2 एक्टिवेशन, एक्टिवेशन का मतलब है H का टूटना, इस बॉन्ड का टूटना। ये बॉन्ड कितने तरीके से टूट सकता है इसके ऊपर बेस्ड है कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन। तो ये जो हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड का जो एक्टिवेशन है यानी इसका टूटना है, वो तीन तरीके से होता है। एक तो वो ऑक्सीडेटिव एडिशन के थ्रू जुड़ सकता है, टूट सकता है, दूसरा हेट्रोलिटिक एक्टिवेशन हो सकता है उसका, और तीसरा होमोलिटिक एक्टिवेशन हो सकता है। तो तीन तरीके के एक्टिवेशन हो सकते हैं जो हाइड्रोजन है जिसको जुड़ना है एल्कीन में, ऑक्सीडेटिव एडिशन के थ्रू, हेट्रोलिटिक एक्टिवेशन के थ्रू एंड होमोलिटिक एक्टिवेशन के थ्रू। तो ऑक्सीडेटिव एडिशन कब होता है, जब जो कॉम्प्लेक्स है इट इज कोऑर्डिनेटिवली अनसेचुरेटेड। तो ऑक्सीडेटिव एडिशन तब होगा जब जो स्पीसीज है वो कोऑर्डिनेटिवली अनसेचुरेटेड होगी। जनरली तीन कैटालिस्ट उसमें हम यूज करते हैं, विल्किंसन कैटालिस्ट, शॉक ऑप्स बॉन्ड कैटालिस्ट एंड क्रैप्स्की कैटालिस्ट। ये तीन कैटालिस्ट हैं जो कि जनरली ऑक्सीडेटिव एडिशन के थ्रू जब हाइड्रोजन का एक्टिवेशन होता है वहां पर ये कैटालिस्ट यूज होते हैं। और ये जो ऑक्सीडेटिव एडिशन है इसको हम डाईहाइड्राइड कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन भी कहते हैं। जब हाइड्रोजन का एक्टिवेशन थ्रू ऑक्सीडेटिव एडिशन होता है तो इसको हम डाईहाइड्राइड कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि आप देखेंगे कि एक मेटल सेंटर से दो हाइड्राइड जुड़ रहे हैं, तो ये डाइहाइड्राइड कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन है। अभी हम इसको वन बाय वन देखेंगे। दूसरे तरीके का जो हाइड्रोजन का एक्टिवेशन होता है वो हेट्रोलिटिक एक्टिवेशन होता है, और इस हेट्रोलिटिक एक्टिवेशन के लिए इट रिक्वायर्स एक्सटर्नल बेस, इसके लिए एक्सटर्नल बेस की जरूरत होती है, तब हेट्रोलिटिक क्लीवेज होता है। और होमोलिटिक एक्टिवेशन के लिए कोई एक्सटर्नल बेस की जरूरत नहीं होती है, मतलब जो हाइड्रोजन बॉन्ड है उसका क्या होता है, होमोलिटिक क्लीवेज होता है, और यहां पर हाइड्रोजन का हेट्रोलिटिक क्लीवेज होता है। कैसे होता है हम वन बाय वन अभी इसको देखेंगे। अब देखिए यहां पर ऑक्सीडेट
ऑक्सीडेटिव एडिशन अगर हो रहा है तो मैंने आपसे कहा कि तीन कैटालिस्ट यहाँ पर यूज होते हैं, विल्किंसन, श्रॉक ऑक्सबॉर्न एंड क्रैप्स ट्री। तो यहाँ पर आप इनके स्ट्रक्चर देख सकते हैं। विल्किंसन कैटालिस्ट अगर आप देखेंगे तो ये रोडियम का कॉम्प्लेक्स है और इस रोडियम के कॉम्प्लेक्स में तीन पीपीएसटी ग्रुप जुड़े हुए होते हैं और एक क्लोराइड ग्रुप जुड़ा हुआ होता है। टेट्रा कोऑर्डिनेटेड स्पीसीज है, इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट होती है क्योंकि आपने देखा कि यहाँ पर क्या होना जरूरी है, कोऑर्डिनेशन अनसैचुरेशन। तो ये जो कैटालिस्ट है इनको 18 इलेक्ट्रॉन नहीं होना है, दे आर कोऑर्डिनेटिवली अनसैचुरेटेड स्पीसीज। और आप देखेंगे जो विल्किंसन कैटालिस्ट होता है इट इज 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, जो ऑक्सबॉर्न है वो 12 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज और क्रैप्स ट्री जो है वो अगेन इट इज 12 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। तो इनका स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, इसलिए ये ऑक्सीडेटिव एडिशन कर सकता है। ठीक है, ये मोनो डाई सब्स्टिट्यूटेड जो सब्सटेंस है वो इस पर एक्ट करते हैं, मतलब ये उस पर एक्ट करता है मोनो एंड डाई सब्स्टिट्यूटेड सब्सटेंसेस के ऊपर। मतलब ये ओलिफिनिक की बात कर रहे हैं, जब सब्सटेंस कह रहे हैं मतलब ओलिफिन्स की बात कर रहे हैं। अब आप देखिए श्रॉक ऑक्सबॉर्न कैटालिस्ट, श्रॉक ऑक्सबॉर्न कैटालिस्ट की स्पेशलिटी अगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे इसके ऊपर प्लस चार्ज है। तो हमने पहले ही कह दिया है कि ये जो मेटल सेंटर है इट शुड बी इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट, क्योंकि यहां पर क्या होना है मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट कहेंगे और हम ये कहेंगे कि ये स्पीसीज को क्या होना है, कोऑर्डिनेटिवली अनसैचुरेटेड। तो ये 12 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, कोऑर्डिनेटिवली अनसैचुरेटेड होती है और इसमें जो प्लस चार्ज है इसको बैलेंस करने के लिए यहां पर कुछ दूसरी स्पीसीज प्रेजेंट होती है जो कि इसको इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल करती है। यहां पर ये जो लिगेंड हो सकता है इसको हम ओलिफिन 2 भी लिख सकते हैं क्योंकि दो डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। तो ये ओलिफिन क्या हो सकता है, नॉरबोलनीन डाइईन हो सकता है या फिर ये साइक्लोक्टा डाइईन हो सकता है। इसको एनबीडी से दिखाते हैं, इसको सीओडी कॉर्ड से दिखाते हैं। तो ये लिगेंड हो सकता है बट दिस इज नॉट द एक्टिव पार्ट ऑफ द लिगेंड। लिगेंड एक्चुअली जो एक्टिव होता है वो इतना होता है, ये आर एच और इसके साथ पीपीएचटी। तो ये एक्टिव पार्ट जो है इस लिगेंड का ये है। ऐसे ही आप देखेंगे क्रैप्स ट्री कैटालिस्ट है और क्रैप्स ट्री कैटालिस्ट में आप देखेंगे इरिडियम का कॉम्प्लेक्स है। अगेन क्रैप्स ट्री जो कैटालिस्ट है उस पर भी पॉजिटिव चार्ज होता है और इसका भी जो एक्टिव पार्ट है वो ये है, जो कैटालिस्ट का एक्टिव पार्ट है वो ये होता है। और यहाँ पर अगेन ओलिफिन इसके साथ जुड़ा होता है, जो ओलिफिन जो यहाँ पर जुड़ा हुआ है वो ओलिफिन इसका एक्टिव पार्ट नहीं है। जब हम साइक्लिक प्रोसेस पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि एक्टिव जो जो कैटालिस्ट है वो कौन सा कैटालिस्ट होता है। ये आप देखिए डाइहाइड्राइट कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन, डाइहाइड्राइट कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन हम इसको क्यों कह रहे हैं वो भी आप देखेंगे। जो विल्किंसन कैटालिस्ट है ये मोनो और डाई सब्स्टिट्यूटेड सब्सटेंस पर एक्ट करता है, जबकि जो श्रॉक ऑक्सबॉर्न और क्रैप्स ट्री है वो मोनो डाई ट्राई टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड किसी भी सब्सटेंसेस पर एक्ट कर सकता है। ओके, और हमने ये आप एक नोट कर लीजिए जो मैंने आपसे कहा कि इसको हम डाइहाइड्राइट कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर डाइहाइड्राइट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। देखिए जब ऑक्सीडेटिव एडिशन होगा, जब H2 इसमें ऑक्सीडेटिवली ऐड होगा तो यहां पर डाइहाइड्राइट का फॉर्मेशन होगा। तो डाइहाइड्राइट फॉर्मेशन की वजह से ये डाइहाइड्राइट कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन भी कहलाता है। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये कैटालिटिक साइकिल है विल्किंसन कैटालिस्ट। जब विल्किंसन कैटालिस्ट एक्ट करता है तो जो डाइहाइड्राइट कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन उसे हम कहते हैं। आप यहां पर देखेंगे ये देखिए रोडियम का कॉम्प्लेक्स है, ये एक विल्किंसन कैटालिस्ट है जहां पर रोडियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो प्लस वन होती है। ठीक है, अब आप देखिए कि यहां पर दो पाथ होंगे, एक पाथ तो मैंने ये दिखाया है और दूसरा पाथ ये दिखाया है। तो आप देखिए ये जो है इस पर H2 ऐड हो सकता है, क्यों ऐड हो सकता है, क्योंकि रोडियम एक 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, देखिए 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होने की वजह से आसानी से ये हाइड्राइड को हाइड्रोजन को अपने में ऐड कर सकता है। सिस पोजीशन पर ऑक्सीडेटिव एडिशन होगा, अगेन आप जानते हैं कि हाइड्राइड जब ऐड होगा तो देखिए 6 कोऑर्डिनेटेड स्पीसीज बन गई, ऑक्सीडेशन हो गया है, 1 से 3 ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई है। साथ में आप देखेंगे ये जो 16 इलेक्ट्रॉन सिस्टम था ये 18 इलेक्ट्रॉन सिस्टम में कन्वर्ट होगा। तो ये ऑक्सीडेटिव एडिशन है, देखिए पहले स्टेप में ऑक्सीडेटिव एडिशन हो रहा है। तो ऑक्सीडेटिव एडिशन के बाद क्या हो सकता है, एक इसमें से बल्की लिगेंड क्या हो सकता है, रिमूव हो सकता है। तो यहां पर बल्की लिगेंड का रिमूवल है और इस रिमूवल के बाद आप देखेंगे पेंटा कोऑर्डिनेटेड स्पीसीज बनेगी जो कि 18 से अगेन 16 इलेक्ट्रॉन सिस्टम में कन्वर्ट होगी, ऑक्सीडेशन स्टेट विल रिमेन द सेम। दूसरा पाथ क्या हो सकता है कि ये जो कैटालिटिक जो कैटालिस्ट है इसमें से एक बल्की लिगेंड निकल जाए। तो पहला जो काम है इसमें से एक बल्की लिगेंड देखिए रिमूव हो रहा है, तो बल्की लिगेंड जब रिमूव होगा तो ये क्या हो जाएगी,
जो ये RH है ये रहेगा, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट सेम रहेगी, लेकिन ये एक थ्री कोऑर्डिनेटेड स्पीसीज बन जाएगी। और जो थ्री कोऑर्डिनेटेड स्पीसीज है, क्योंकि इसमें से एक बल्कि लिगेंड रिमूव हुआ है, तो ये इट बिकम्स अ 14 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। ये एक 14 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होगी, उसके बाद इसमें ऑक्सीडेटिव एडिशन हो रहा है। तो दो तरीके की प्रोसेस है, एक तो डायरेक्ट ऑक्सीडेटिव एडिशन हो सकता है, या फिर इसमें से एक प्रोटोन एक लिगेंड रिमूव होने के बाद ऑक्सीडेटिव एडिशन होगा, और ऑक्सीडेटिव एडिशन के बाद अगेन इट विल कन्वर्ट इंटू फर्स्ट टू थर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट विल इंक्रीज, और आप देखेंगे कि ये दो एच है ये सिस पोजीशन पर ऐड हो जाएंगे और ये फाइव कोऑर्डिनेटेड स्पीसीज हो जाएगी। देखिए ऑक्सीडेटिव एडिशन है, थ्री कोऑर्डिनेशन से पांच कोऑर्डिनेशन, वन से थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट, एंड इलेक्ट्रॉन काउंट जो है वो 14 से 16 हो जाएगा। तो दोनों पाथ के थ्रू हमें एक देखिए पेंटा कोऑर्डिनेटेड स्पीसीज मिलेगी, और जैसे ही ये पेंटा कोऑर्डिनेटेड स्पीसीज मिलेगी, अब इसमें यहां पर देखिए एक वेकेंट साइट है, ये इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है पांच है, अभी इस पर छह हो सकती है, तो यहां पर जो वेकेंट साइट है इस वेकेंट साइट पर एल्कीन कोऑर्डिनेट करेगा, और ये देखिए एल्कीन जब इस पे ऐड किया तो ये एल्कीन यहां पर देखिए कोऑर्डिनेट हो गया, और जैसे ही एल्कीन कोऑर्डिनेट करेगा तो ये जो स्पीसीज है वो थर्ड रहेगी, लेकिन ये टू इलेक्ट्रॉन डोनर है इसलिए ये जो सिस्टम है ये 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 16 इलेक्ट्रॉन सिस्टम से 18 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। अब आप देख सकते हैं कि इसमें ओलिफिन भी है और देखिए हाइड्रोजन भी है, तो अब इसमें क्या होगा, क्योंकि ओलिफिन है तो बीटा माइग्रेटरी इंसर्शन होगा, तो बीटा माइग्रेटरी इंसर्शन होगा, तो आप देखेंगे कि यहां पर तो ये जुड़ जाएगा और यहां पर क्या होगी हाइड्रोजन अटैक करेगी, तो हाइड्रोजन जब माइग्रेट करेगी हाइड्राइड की फॉर्म में ये अटैक करेगी, तो आप देखिए इस तरीके का प्रोडक्ट हमें मिलेगा। देखिए जो R ग्रुप है वहां पर देखिए H जुड़ गया, तो ये जो पार्ट है आप देख सकते हैं कि बीटा माइग्रेटरी इंसर्शन इसमें हुआ है, और ये जो स्पीसीज 18 इलेक्ट्रॉन थी यहां पर आप देख सकते हैं एक वेकेंट साइट क्रिएट हो जाएगी, देखिए एक हाइड्राइड है और दूसरा हाइड्राइड हट गया, फिर से फाइव कोऑर्डिनेटेड स्पीसीज बन गई है। अगेन आप देखेंगे कि ये 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज बन गई है, और ये जो 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है उसके बाद इसमें क्या होगा रिडक्टिव एलिमिनेशन होगा, और ये निकलेगा और ये निकल जाएगा और ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। आप देख सकते हैं एल्कीन बन गया है, और एल्कीन के साथ ये जो पार्ट बचा है RH PPH3 PPH3Cl, ये देखिए फिर से आपको ये जो थ्री कोऑर्डिनेटेड स्पीसीज है ये मिल गई, यानी जो कि क्या थी एक कैटालिस्ट था। तो ये कैटालिटिक साइकिल में अगर आप देखेंगे तो मैंने आपसे ये कहा था कि अगर ऑक्सीडेटिव एडिशन होगा तो लास्ट स्टेप क्या होगा रिडक्टिव एलिमिनेशन होगा ही होगा, क्योंकि प्रोडक्ट तभी बनेगा जब हमने ऐड कर दिया, तो रिडक्टिव एलिमिनेशन होगा जिससे कि फाइनली हमें कैटालिस्ट मिल जाए। तो ये कैटालिटिक साइकिल है, जहां पर आप अगेन मैं आपको बता रही हूं कि हुआ क्या है कि जो कैटालिस्ट था विल्किंसन कैटालिस्ट, यहां पर दो हाइड्रोजन ऐड होंगे, चाहे तो एक लिगेंड निकलने के बाद एडिशन होगा, चाहे तो पहले ऐड होगा और फिर लिगेंड निकलेगा, पहले लिगेंड निकल सकता है फिर एडिशन हो सकता है, या फिर पहले एडिशन हो सकता है फिर लिगेंड रिमूव हो सकता है है, तो इसके बाद हमें एक फाइव कोऑर्डिनेटेड स्पीसीज मिलेगी। मतलब पहला स्टेप इज ऑक्सीडेटिव एडिशन और फॉर्मेशन ऑफ डाइहाइड्राइड स्पीसीज। देखिए डाइहाइड्राइड स्पीसीज मिल गई, जो डाइहाइड्राइड स्पीसीज है इसमें एल्कीन कोऑर्डिनेट करेगा, और एल्कीन जैसे ही कोऑर्डिनेट करेगा बीटा माइग्रेटरी इंसर्शन होगा, और बीटा माइग्रेटरी इंसर्शन के बाद रिडक्टिव एलिमिनेशन होगा एंड वी विल गेट द प्रोडक्ट। यहां जो हमारे पास जो ओलिफिन थी, ये जो ओलिफिन थी ये किसमें कन्वर्ट हो गई प्रोडक्ट में, यानी ये ओलिफिन एल्केन में कन्वर्ट हो गई और हमें एज इट इज कैटालिस्ट मिल गया। तो जो कैटालिटिक साइकिल है, मैंने आपसे कहा कि जो होमोजेनियस कैटालिस्ट है उनके स्टेप्स ही यही है, ऑक्सीडेटिव एडिशन, रिडक्टिव एलिमिनेशन, बीटा माइग्रेटरी इंसर्शन, एलिमिनेशन, ये इनके स्टेप्स है। यही टाइप की इसी टाइप की साइक्लिक प्रोसेस के थ्रू जो हाइड्रोजिनेशन है वो होता है। दूसरा आप देखिए श्रॉक ऑप्सबॉर्न कैटालिस्ट को अगर देखेंगे, तो मैंने आपसे ये कहा कि ये जो कैटालिस्ट था जहां पर एक्स नेगेटिव पार्ट था जो कि इसको न्यूट्रल कर रहा था, तो मैंने आपसे कहा था कि जो ओलिफिन है ये एक्टिव पार्ट नहीं है इस कैटालिस्ट का, तो जो रियल कैटालिस्ट है वो इतना पार्ट है, इतना पार्ट। तो यहां से ओलिफिन रिमूव होगा, ये जो रिमूव है ये ओलिफिन अलग हो जाएगा सैचुरेटेड की फॉर्म में, ये हाइड्रोजिनेशन की प्रोसेस में कोई पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, लेकिन ये जो रियल कैटालिस्ट है वो ये है। तो देखिए रियल कैटालिस्ट जो है वो 12 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, ये रियल कैटालिस्ट है, ये रियल कैटालिस्ट इस पर ओलिफिन जुड़ रहा है, यहां पर पहले ओलिफिन जुड़ता है, ये अंतर है। देखिए जब विल्किंसन कैटालिस्ट है तो यहां पर पहले ऑक्सीडेटिव एडिशन हो रहा है
फिर ऑलिफिन जोड़ रहा है, लेकिन जो शॉक ऑफ बॉन्ड जो एडिशन है वहां पर पहले ऑलिफिन कोऑर्डिनेट कर रहा है देन ऑक्सीडेटिव एडिशन हो रहा है, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये जो शॉक ऑफ बॉन्ड है इसमें पहले ऑलिफिन कोऑर्डिनेट हुआ, देखिए ऑलिफिन कोऑर्डिनेट हुआ तो ये 14 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज हो गई, ठीक है। अब ये जो 14 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज थी अभी भी इसमें क्या जुड़ सकता है, हाइड्राइड जुड़ सकता है, तो ये H2 का ऑक्सीडेटिव एडिशन होगा, देखिए सिक्स पोजिशन पर ये जुड़ गया है, तो ये 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज बन गई है। अब इस पर क्या होगा, बीटा माइग्रेटरी इंसर्शन होगा, तो बीटा माइग्रेटरी इंसर्शन होगा तो इस तरीके से ये स्पीसीज जुड़ेगी, ये देखिए ये इस तरीके से माइग्रेट हुआ तो ये 4 कोऑर्डिनेशन में कन्वर्ट हो गया, अगेन ये 14 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज हो गई, क्योंकि इसमें ऑक्सीडेटिव एडिशन हुआ था तो अब क्या होगा, रिडक्टिव एलिमिनेशन होगा, ये और हाइड्रोजन निकल जाएंगे, रिडक्टिवली एलिमिनेट होंगे जो कि 6 पोजिशन पर होंगे, एडिशन भी सिक्स पोजीशन पर होना है और जो रिडक्टिव एलिमिनेशन है वो भी सिक्स पोजीशन पर होना है, और हमें क्या मिल जाएगा, देखिए ये कैटालिस्ट मिलेगा। तो इस तरीके से कैटालिटिक साइकिल जो है वो चलती रहेगी जब तक रिएक्शन मिक्सचर में ऑलिफिन होगा। तो आप देख सकते हैं जो विल्किंसन कैटालिस्ट है वहां पर आप देख रहे हैं कि पहला स्टेप ऑक्सीडेटिव एडिशन है, फिर सेकेंड स्टेप एल्किन कोऑर्डिनेशन है। शॉक्स ऑफ बॉन्ड में क्या है, पहला स्टेप कोऑर्डिनेशन है ऑलिफिन का और दूसरा स्टेप क्या है, ऑक्सीडेटिव एडिशन है हाइड्रोजन का। तो ये दोनों केस में आप देख रहे हैं डाइहाइड्राइड कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए ये डाइहाइड्राइड कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन है। ओके, दूसरे तरीके का मैंने आपसे कहा कि हेट्रोलिटिक एक्टिवेशन हो सकता है। हेट्रोलिटिक एक्टिवेशन का मतलब क्या है कि यहां पर एक एक्सटर्नल बेस की जरूरत होगी और ये एक मोनोहाइड्राइड कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन है, क्योंकि यहां पर जो कॉम्प्लेक्स बनता है वो मोनोहाइड्राइड बनता है। अब आप देखिए ये कॉम्प्लेक्स है, इस कॉम्प्लेक्स की जब इस हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन हो रही है साथ में एक बेस की जरूरत है, ये बेस क्या करता है, ये बेस इस हाइड्रोजन को हेट्रोलिटिकली क्लीव करेगा और एक हाइड्राइड तो अपने में ले लेगा और दूसरा हाइड्राइड यहां अटैच हो जाएगा, हाइड्राइड यानी इन द फॉर्म ऑफ एच प्लस वो बेस से अटैच होगा और हाइड्राइड जो है वो मेटल से अटैच होगा, और आप देखेंगे ये एक मोनोहाइड्राइड कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो रहा है। तो मोनोहाइड्राइड बना है इसलिए मोनोहाइड्राइड कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन है, मोनोहाइड्राइड का फॉर्मेशन हुआ है। ओके, और ये बेस ने क्या लिया, एक जो प्रोटोन है उसको बेस ने एब्स्ट्रैक्ट कर लिया, तो बेस ने एक हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट किया है, इसलिए ये क्या है, ये हेट्रोलिटिक है, मतलब हाइड्रोजन जो दो थे वो दोनों मेटल के साथ नहीं जुड़े, एक मेटल के साथ जुड़ा और एक बेस के साथ जुड़ा, तो ये हेट्रोलिटिक क्लीवेज है, क्योंकि एक हाइड्रोजन तो प्लस की फॉर्म में रहेगा और एक हाइड्रोजन माइनस की फॉर्म में रहेगा, जो माइनस की फॉर्म में रहेगा वो तो मेटल के साथ जुड़ जाएगा और जो प्लस की फॉर्म में रहेगा वो बेस के साथ जुड़ेगा, इसलिए ये हेट्रोलिटिक क्लीवेज है, ठीक है। और जो कॉम्प्लेक्स है वो मोनोहाइड्राइड बन रहा है, इसलिए ये मोनोहाइड्राइड कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन है। यहाँ पर जो जो कैटालिस्ट यूज होता है वो रुदीनियम का कैटालिस्ट है, RuCl2PPH3O3, तो जो कैटालिस्ट है वो भी अलग अलग यूज होंगे, यहाँ पर रुदीनियम का जो कॉम्प्लेक्स है वो कैटालिस्ट की तरह एक्ट करेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हेट्रोलिटिक एक्टिवेशन है H2 मॉलिक्यूल का, मोनोहाइड्राइड हाइड्रोजिनेशन करते हैं, तो आपने देखा जो रुदीनियम का जो कॉम्प्लेक्स है इट एक्ट्स एज कैटालिस्ट, और जो क्या फॉर्मेशन होता है, मेटल हाइड्राइड का फॉर्मेशन होता है जो कि मोनोहाइड्राइड होता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिखाया है कि कैसे हेट्रोलिटिक क्लीवेज होता है हाइड्रोजन का, आप देख सकते हैं कि ये कैटालिस्ट है, ये हाइड्रोजन है, ये बेस है, तो ये क्या कर रहा है, देखिए जो H का जो H माइनस वाला पार्ट है वो रुदीनियम से जुड़ेगा और जो H प्लस वाला है वो बेस एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, और उसके बाद आप देखिए इस तरीके का कॉम्प्लेक्स मिल रहा है, और इसमें से जब Cl रिमूव होगा देन इट विल बी द एक्टिव कैटालिस्ट, ये एक्टिव कैटालिस्ट है जिसमें कि 3 PPH3 होंगे, एक Cl और होगा, एच होगा, तो एक्टिव कैटालिस्ट ये है। जो प्री कैटालिस्ट है, जो प्री कैटालिस्ट में 2 Cl है लेकिन जो एक्टिव कैटालिस्ट है उसमें एक Cl होगा और एक एच होगा, सो दिस विल एक्ट एज द एक्टिव कैटालिस्ट ड्यू टू द हेट्रोलिटिक एक्टिवेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। ये आप कैटालिटिक साइकिल देखेंगे, ये देखिए ये जो मैंने आपसे कहा कि ये जो स्पीसीज है RuCl H and PPH3 whole thrice, यहां पर रुदीनियम पेंटा कोऑर्डिनेटेड है, यानी एक साइट इसकी क्या है, वैकेंट है, ये 6 कोऑर्डिनेटेड हो सकता है, तो ये वो कॉम्प्लेक्स है जहां पर 3 PPH3, एक Cl, एक H है, और एक इसके पास क्या है, वैकेंट साइट है, 16 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, सो इट इज कोऑर्डिनेटिवली अनसैचुरेटेड है। इस पर पहले एल्कीन कोऑर्डिनेट करेगा, इस वैकेंट साइट पर एल्कीन कोऑर्डिनेट किया तो ये एक 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में कन्वर्ट हो गई,
फिर क्या होगा, बीटा माइग्रेशन। तो ये बीटा माइग्रेशन जब होगा तो इस तरीके से ये अटैच होगा और ये देखिए एक वैकेंट साइट फिर से क्रिएट हो जाएगी। जैसे बीटा माइग्रेशन होगा तो एक वैकेंट साइट क्रिएट होगी, 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में ये कन्वर्ट होगा। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ऑक्सीडेटिव एडिशन हो रहा है लास्ट स्टेप है, मतलब लास्ट से पहले का, जबकि आपने यहाँ पर देखा था जब ऑक्सीडेटिव एडिशन की हम बात करेंगे जो जो एक्टिवेशन है वहां पर पहला स्टेप ऑक्सीडेटिव एडिशन है या उसके जस्ट बाद वाला ऑक्सीडेटिव एडिशन है। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो ऑक्सीडेटिव एडिशन वो लास्ट में हो रहा है क्योंकि इसके थ्रू एक्टिवेशन नहीं हो रहा है, एक्टिवेशन जो है वो हेट्रोलिटिक हो रहा है। तो पहले कोऑर्डिनेशन होगा, देन बीटा माइग्रेटरी इंसर्शन होगा, देन इसमें जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीडेटिवली ऐड होगी क्योंकि यहाँ पर वैकेंट साइट है, फिर से ये 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में कन्वर्ट होगा और उसके बाद क्या होगा यहाँ पर ये रिडक्टिव एलिमिनेशन होगा, ये स्पीसीज जो है वो निकलेगी और हमें फाइनली फिर से क्या मिल जाएगा, जो कैटालिस्ट है वो मिल जाएगा। डिफरेंस आप देख सकते हैं कैटालिटिक साइकिल में। अगेन मैं आपसे कह रही हूं कि जब हम कहेंगे कि जो हाइड्रोजिनेशन है वो थ्रू दी हेट्रोलिटिक एक्टिवेशन ऑफ हाइड्रोजन होगा, उस केस में आप देखेंगे कि जो माइग्रेटरी इंसर्शन है वो भी हो चुका, उसके बाद ऑक्सीडेटिव एडिशन होगा, इसलिए ऑक्सीडेटिव एडिशन नहीं है। ऑक्सीडेटिव एडिशन तब है जब शुरू के स्टेप्स जो है वो ऑक्सीडेटिव एडिशन है, तब ये ऑक्सीडेटिव एडिशन मैकेनिज्म है। और यहाँ पर मोनोहाइड्राइड का फॉर्मेशन हो रहा है इसलिए ये मोनोहाइड्राइड कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन है। तीसरे तरीके का जो एक्टिवेशन है वो है होमोलिटिक एक्टिवेशन, और इसमें स्पेशली जो कैटालिस्ट जो यूज होता है इगुची कैटालिस्ट है, और इगुची कैटालिस्ट क्या करता है हाइड्रोजन को होमोलिटिकली क्लीव करता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दो एच हैं और दोनों एच में से एक एच एक एम के साथ जुड़ गया, दूसरा एच दूसरे एम के साथ जुड़ गया, होमोलिटिक क्लीवेज है, मतलब रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। इस एच टू में दो रेडिकल होंगे और वो एक रेडिकल एक के साथ जुड़ जाएगा, दूसरा दूसरे दो मॉलिक्यूल इस इगुची कैटालिस्ट के यूज होंगे और फिर ये रेडिकल की फॉर्म में टूटेगा, होमोलिटिक क्लीवेज इसका होगा, एक्टिवेशन होगा। तो होमोलिटिक एक्टिवेशन में जब हम रिएक्शन देखेंगे कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन तो कुछ इस तरीके से होती है, ये एक बायोन्यूक्लियर ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन है। आप देखेंगे कि ये इगुची कैटालिस्ट है, दो मॉलिक्यूल इसके ट्रीट कर रहे हैं और जो दो मॉलिक्यूल ट्रीट कर रहे हैं इस हाइड्रोजन को होमोलिटिकली क्लीव कर रहे हैं और एक इसके साथ ऐड हो जाएगा, एक हाइड्रोजन रेडिकल की फॉर्म में इससे ऐड हो जाएगा और ये जो है एक्टिव कैटालिस्ट बनेगा। सो दिस इज नॉट द एक्टिव कैटालिस्ट बट दिस इज द एक्टिव कैटालिस्ट जहां पर कोबाल्ट जो है वो D6 कॉन्फ़िगरेशन में होगा, कोबाल्ट की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है +3 होगी। इगुची कैटालिस्ट में जो कॉन्फ़िगरेशन है वो D7 होता है और कोबाल्ट जो है वो +2 फॉर्म में यहां पर होता है। तो एक्टिव कैटालिस्ट क्या होगा, एक्टिव कैटालिस्ट इज जहां पर D6 कॉन्फ़िगरेशन इसका होगा। तो आप देखिए किस तरीके से ये रिएक्शन प्रोसीड करता है, ये जो एक्टिव कैटालिस्ट है, ये एक्टिव कैटालिस्ट है, ये आप देख सकते हैं एक्ट कर रहा है, ये बेंजाइल, अगर आप देखेंगे बेंजाइलिक कंपाउंड है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, इस डबल बॉन्ड पर ये एक्ट करने वाला है। तो ये क्या करेगा, एक हाइड्रोजन को यहाँ पर ऐड कर देगा, हाइड्राइड को इन द फॉर्म ऑफ रेडिकल, एक्चुअली ये रेडिकल की फॉर्म में यहाँ देगा और अपना जो है देखिए ये कैटालिस्ट बना दिया इसने और यहाँ पर एक रेडिकल बन गया, बेंजाइलिक रेडिकल। ये जो बेंजाइलिक रेडिकल है ये दूसरे एक्टिव कैटालिस्ट के साथ रिएक्ट करेगा और यहाँ पर एक रेडिकल और जुड़ जाएगा और ये प्रोडक्ट बन जाएगा और ये अगेन कैटालिस्ट हमें मिल गया, तो सिनेमेट आयन हमें मिलेगा। आप देख सकते हैं कि जो एक डबल बॉन्ड था वो एक सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पर कोई वैकेंट साइट क्रिएट नहीं होती है और ये जो ऑर्गेनिक रेडिकल बनता है ये क्या होना चाहिए, स्टेबल रेडिकल होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि कितने डिफरेंट मैकेनिज्म है, तीनों के थ्रू कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन हो रहा है बट जो हाइड्रोजन का जो एक्टिवेशन है वो अलग अलग उसका तरीका है, कैटलिस्ट भी अलग यूज हो रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग क्या हो रहा है यहाँ पर हाइड्रोजिनेशन हो रहा है। अगर हम फैक्टर्स देखें, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो कि होमोजेनियस कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन को अफेक्ट करते हैं, तो पहला जो फैक्टर है वो है टाइप ऑफ कैटालिस्ट, कैसा कैटालिस्ट है उस पर डिपेंड करता है होमोजेनियस कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन। ये जो विल्किंसन कैटालिस्ट है ये एक्टिव है, यहाँ पर PPH3 बल्कियर ग्रुप से हैं जो कि आसानी से क्या हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं। और आपने यहाँ पर देखा था कि या तो पहला स्टेप PPH3 के रिमूवल का है या फिर यहाँ पर दूसरा स्टेप PPH3 के रिमूवल का है, अगर बल्की ग्रुप्स होंगे तो वो आसानी से रिमूव होंगे, तो उसकी वजह से ये कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन शो करता है। तो बल्की ग्रुप होने की वजह से इट इज एक्टिव कैटालिस्ट। अगर हम रोडियम का कॉम्प्लेक्स देखेंगे जहां पर ये ET3 है यानी ये इथाइल ग्रुप है, तो फिर ये एक्टिव नहीं रहेगा, ये एक एक्टिव कैटालिस्ट
एसिड की तरह एक्ट नहीं करेगा, क्योंकि ईटी जो है वो इतना बल्की ग्रुप नहीं है, और बल्कि ये जो कंपाउंड है ये H2 के साथ इरिवर्सिबली एक्ट करता है। ऑक्सीडेटिव एडिशन में क्या होता है, रिवर्सिबल होता है, यानी जो हाइड्रोजन है वो रिमूव भी हो सकते हैं, ये एक बार जुड़ गया तो जुड़ गया, फिर हाइड्रोजन रिमूव नहीं होगा। तीसरा आप देखिए, ये इस तरीके का कॉम्प्लेक्स है कि एक PTe3 को हमने H2 से रिमूव किया है, अगर तीनों के तीनों PTe3 थे तो फिर ये एक्टिव नहीं था, लेकिन अगर H2 से ऐड कर दिया तो फिर ये एक्टिव होता है, और यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो रिवर्सिबली इसके साथ अटैच होता है। और अगर हम इरिडियम का कॉम्प्लेक्स देखेंगे तो ये एक्टिव नहीं है, क्योंकि ये क्या है, ये जो है यहाँ पर IR और CL, IR और P के बीच का बॉन्ड है वो स्ट्रांग होता है, और इस IR और P को तोड़ना कठिन है, क्योंकि पहला स्टेप अगर हम किसका देखेंगे, जो IR है और P है इसके बीच का बॉन्ड अगर स्ट्रांग होगा तो ये जो PPH3 है रिमूव नहीं हो पाएगा। तो ये पहला स्टेप जो ऑक्सीडेटिव एडिशन का है उसके लिए जरूरी है कि ये PPH3 रिमूव हो, तो अगर ये PPH3 रिमूव नहीं होगा तो फिर ये कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन नहीं करेगा आसानी से। तो इसलिए आप देखेंगे यहाँ पर, क्योंकि IR और P के बीच का जो बॉन्ड है वो स्ट्रांग होता है, इसलिए ये एक्टिव नहीं होता है। दूसरा आप देखेंगे कि जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है, आप देखेंगे कि जो पॉजिटिवली चार्ज जो कैटलिस्ट हैं दे आर मोर एक्टिव एज कंपेयर टू दी नॉन चार्ज स्पीसीज। तो आप देखेंगे ये विल्किंसन कैटलिस्ट है, ये कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन देता है इस रिएक्टेंट के ऊपर, तो 650 इसका जो एक तरीके से आप कह सकते हैं जो इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो अगर इतना है, तो आप देखेंगे जैसे जैसे पॉजिटिव स्पीसीज की ओर बढ़ेंगे, ये क्रैबट्री कैटलिस्ट है, आप देखेंगे इसका कितना गुना, 10 गुना जो है वो इसकी रिएक्टिविटी बढ़ गई। ऐसे ही आप देखेंगे इस तरीके का अगर होगा तो आप देखेंगे इसकी एक्टिविटी बढ़ गई। तो जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा जो जो कैटालिस्ट है तो उसका जो रिएक्टिविटी है वो क्या हो जाएगी, बढ़ेगी टुवर्ड्स कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। दूसरा आप देखेंगे सबस्ट्रेट की पोलैरिटी, तो जैसे जैसे सबस्ट्रेट की पोलैरिटी बढ़ती है, यानी ओलिफिन या ओलिफिन्स हैं जो ओलिफिन रिएक्ट करने वाली है, तो जैसे जैसे इनकी पोलैरिटी बढ़ती है आप देखेंगे इनकी जो जो एक्टिविटी है, मतलब इस पर जो कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन है वो आसान होगा। तो ऐसे अगर हम लेफ्ट टू राइट देखेंगे तो ये सबसे ज्यादा पोलर है, इसलिए इसके ऊपर सबसे ज्यादा आसानी से हाइड्रोजनेशन होगा, फास्टर होगा। ये जो जिस पर कोई भी पोलर ग्रुप नहीं है इस पर सबसे धीरे कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन होगा। तो अगर कोई पोलर ग्रुप प्रेजेंट होगा इस डबल बॉन्ड के पास में तो इसका कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन जो है वो आसानी से होगा। अगर हम सब्स्टिट्यूशन देखें सबस्ट्रेट के ऊपर, तो आप देखेंगे अगर कोई जो ओलिफिन है अगर वो मोनो सब्स्टिट्यूटेड है तो उस पर सबसे फास्ट हाइड्रोजनेशन होगा, देन डाई सब्स्टिट्यूटेड के ऊपर, देन ट्राई सब्स्टिट्यूटेड के ऊपर, देन टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड के ऊपर। तो ये डिपेंड करेगा जो सब्स्ट्रेट है वो उस पर सब्स्टिट्यूशन क्या है। अब देखिए ये हमारे पास एक रिएक्टेंट है, एक डबल बॉन्ड तो यहाँ पर है, एक डबल बॉन्ड यहाँ पर है। अगर आप इस डबल बॉन्ड को देखेंगे तो देखिए यहाँ पर कितना सब्स्टिट्यूशन है, देखिए ये सब्स्टिट्यूशन, यहाँ पर ये ग्रुप जुड़ा हुआ है, यहाँ पर ये ग्रुप जुड़ा है, तो ये जो डबल बॉन्ड है ये सब्स्टिट्यूटेड है, जबकि ये जो डबल बॉन्ड है ये उतना सब्स्टिट्यूटेड नहीं है जितना ये डबल बॉन्ड है। तो अगर हम विल्किंसन कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हाइड्रोजनेशन करेंगे तो देखिए ये बॉन्ड जो है हाइड्रोजिनेट हुआ है, ये वाला बॉन्ड हाइड्रोजिनेट हुआ है, ये वाला बॉन्ड हाइड्रोजिनेट नहीं हुआ है, बहुत माइनर प्रोडक्ट है ये। और जो मेजर प्रोडक्ट है वो है जहां पर लेस सब्स्टिट्यूटेड डबल बॉन्ड क्या हुआ है, हाइड्रोजिनेट हुआ है। लेकिन अगर हम यही रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजिनियस कैटालिस्ट करते तो आप देखिए सारे के सारे बॉन्ड क्या हो गए, हाइड्रोजिनेट हो गए। तो आप ये कह सकते हैं कि हम स्पेशली, मैंने कहा सेलेक्टिव होता है जो कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन है थ्रू होमोजेनियस कैटालिस्ट, वो सेलेक्टिव है, वो एक पर्टिकुलर डबल बॉन्ड पर ही अटैक करता है जो लेस सब्स्टिट्यूटेड होगा। तो इसलिए हम अगर हमें लेस सब्स्टिट्यूटेड डबल बॉन्ड को हाइड्रोजिनेट कराना है देन वी विल यूज होमोजेनियस कैटालिस्ट, अगर हमें सारों को कराना है तो देन वी कैन गो टुवर्ड्स दी हेट्रोजीनियस कैटालिस्ट। तो ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इसका। अगर आप यहां पर देखेंगे, देखिए एक डबल बॉन्ड ये है और एक डबल बॉन्ड ये है, तो ये किस डबल बॉन्ड पर एक्ट कर रहा है, जो ओपन में है, देखिए ये डबल बॉन्ड पर एक्ट कर रहा है क्योंकि लेस सब्स्टिट्यूटेड डबल बॉन्ड है। तो यहां पर ये क्या कर रहा है, एक्ट कर रहा है, यहां पर ये एक्ट कर सकता है इस डबल बॉन्ड पर, इसको हाइड्रोजिनेट कर रहा है, ट्रिपल बॉन्ड को भी हाइड्रोजिनेट कर सकता है इवन डबल बॉन्ड में। और यहां पर आप देखिए तीन बॉन्ड है, एक ए है, एक बी है, एक सी है। तो अगर आप इन बॉन्ड्स को देखेंगे तो सबसे कम सब्स्टिट्यूटेड कौन सा, ये वाला बॉन्ड, तो इसलिए ये वाला बॉन्ड हाइड्रोजिनेट होगा, बाकी बॉन्ड्स हाइड्रोजिनेट नहीं होंगे। जो बॉन्ड्स क्या है, लेस सब्स्टिट्यूटेड है, वो डबल बॉन्ड्स क्या होंगे, हाइड्रोजिनेट होंगे। और मैंने आपसे कहा था कि ये जो डबल बॉन्ड है दूसरे तरीके के, ये भी हाइड्रोजिनेट नहीं होंगे, ये सेलेक्टिव है और ये लेस सब्स्टिट्यूटेड डबल बॉन्ड पर एक्ट करता है जो विल्किंसन कैटालिस्ट है। ओके,
अगर हम डायरेक्ट इफेक्ट देखें हाइड्रोजिनेशन का और क्रेब्स टी कैटालिस्ट का हम देख रहे हैं, तो हम ये देखेंगे कि अगर किसी ओलिफिन में पहले से ही कुछ ग्रुप्स हैं, जैसे OH ग्रुप है, COME ग्रुप है, OME ग्रुप है, तो जो आने वाला जो हाइड्राइड है वो उस साइड चला जाएगा जिस साइड ये ग्रुप्स होंगे, उसी साइड से उसी फेज पर मतलब हाइड्राइड ऐड होगा जिस फेज पर वो ग्रुप्स हैं। फॉर एग्जांपल देखिए ये OH है, ये OH आप देख सकते हैं, इसको मैंने डार्क लाइन से दिखाया है, तो ये OH जिस साइड है, अब यहाँ पर क्या जुड़ना है, हाइड्राइड जुड़ना है, तो हाइड्राइड जब जुड़ेगा तो ये CH3 जो है वो देखिए सेम प्लेन में, तो ये उसी प्लेन में होगा जिस प्लेन में क्या होगा, ये जो पहले से जुड़ा हुआ ग्रुप है उसी प्लेन में हाइड्राइड भी जुड़ेगा। अब आप यहां पर देखिए होमोजेनियस कैटालिस्ट है, ये OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है, यहां पर क्या जुड़नी है, हाइड्राइड जुड़नी है, तो हाइड्राइड जब जुड़ेगी तो आप ये देखेंगे कि ये जब जुड़ेगी तो ये जो देखिए ये सेम प्लेन में आपको दिख रहा होगा OH और H, ये देखिए 80% मटेरियल बना है, जबकि यहां पर आप देख सकते हैं कि ये दोनों अलग अलग प्लेन में है हाइड्राइड का जुड़ना, तो ये 20% बना है जब हमने होमोजेनियस कैटालिस्ट यूज किया है। अगर हम हेटरोजेनियस कैटालिस्ट यूज करेंगे तो फिर आप देखेंगे ये जो अटैक है उस प्लेन से नहीं होगा जिस प्लेन में जो ग्रुप प्रेजेंट है पहले से ही, ओके। तो आप यहां पर देखेंगे कि ये जो है यहाँ पर आप देखिए कि 99% बनेगा वो प्रोडक्ट जहां पर सेम प्लेन नहीं है, और इस तरीके से हम होमोजेनियस कैटालिस्ट को यूज कर सकते हैं जहां पर आप देखेंगे कि ये जो है जहां पर सेम प्लेन में जहां पर वो ग्रुप प्रेजेंट है OH या OME या COME उस साइड से हाइड्राइड अटैक करेगा, ओके। देन आप देखेंगे एसिमेट्रिक हाइड्रोजिनेशन, तो ये जो है ये हेल्पफुल है एसिमेट्रिक हाइड्रोजिनेशन के लिए, अगर हमें एसिमेट्रिक कंपाउंड सिंथेसाइज करने हैं तो हम होमोजेनियस कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन की ओर जा सकते हैं। शॉक ऑप्स बॉन्ड कैटालिस्ट इज यूजफुल इन द एसिमेट्रिक हाइड्रोजिनेशन। एसिमेट्रिक आप जानते होंगे, स्टीरियो केमिस्ट्री आपने पढ़ी होगी, ये मॉलिक्यूल्स जो है वो कितने इंपॉर्टेंट है, ये कितने इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं जो ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स होते हैं, तो आप ये देखेंगे कि जो ऑप्टिकली आइसोमर्स हैं वो एक आइसोमर तो इंपॉर्टेंट होता है, दूसरा आइसोमर इंपॉर्टेंट नहीं होता, तो अगर हम एक पर्टिकुलर आइसोमर सिंथेसाइज करना है देन वी कैन गो टू एसिमेट्रिक कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन। आप देखेंगे कि ऐसे एल्कीन्स जिनमें प्रो काइरल प्रॉपर्टी होती है, जिनमें प्रो काइरल प्रॉपर्टी होती है वो जो है वो क्या कर सकते हैं, एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल सिंथेसाइज कर सकते हैं। देखिए जैसे ये है तो यहां पर एक हाइड्रोजन यहां जुड़ जाएगा, एक हाइड्रोजन यहां जुड़ जाएगा, तो ये R1 R2 CH3 H, तो एक ये काइरल मॉलिक्यूल बन जाएगा, तो एसिमेट्रिक सिंथेसिस कर सकते हैं, हम क्या ले सकते हैं, एक प्रो काइरल एल्कीन ले सकते हैं एज अ सब्सटेंस, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल देखिए एल-डोपा एक मेडिसिन है, एल-डोपा एल उसका जो आइसोमर है इट इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ पार्किंसंस डिजीज, तो पार्किंसंस डिजीज को ट्रीट करने के लिए एल-डोपा यूज की जाती है ड्रग, और उसको हम सिंथेसाइज कर सकते हैं थ्रू कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन। तो ये कैटालिस्ट लिया है शॉक्स ऑफ बॉन्ड कैटालिस्ट, और इस शॉक्स ऑफ बॉन्ड कैटालिस्ट में जब एक ओलिफिन ऐसा ऐड कर रहे हैं, ये ओलिफिन जो है ऐसा है जहां पर ये जो सेंटर है ये प्रोकाइरल सेंटर है, ठीक है, तो ये प्रोकाइरल सेंटर है और इस पर एक एच जब जुड़ जाएगा यहाँ पर और एक एच यहाँ पर जुड़ेगा तो ये काइरल में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए काइरल सेंटर बन गया, ये देखिए काइरल सेंटर बन गया, और ये काइरल सेंटर का जब हम फाइनली यहां से इसको NH2 में कन्वर्ट करेंगे देन ये काइरल सेंटर बन गया और ये एल-डोपा बन गया है। ये एल-डोपा जो है ड्रग की तरह यूज कर सकते हैं जो कि पार्किंसन डिजीज को ट्रीट करने के लिए यूज की जाती है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर हम दो ओलिफिन है अगर ऐसा लें जो कि प्रोकाइरल जिसमें सेंटर हो तो फिर हम उससे एसिमेट्रिक सिंथेसिस कर सकते हैं, यानी हम स्टीरियो आइसोमर्स बना सकते हैं जो कि ड्रग की फॉर्म में यूटिलाइज किए जा सकते हैं, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट द कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन प्रोसेसेस। तो एक बार हम इसको अगेन इसको समराइज करना चाहेंगे कि हमने इस लेक्चर में क्या पढ़ा, बहुत कठिन नहीं है, हमने कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन पढ़ा जहां पर हमने देखा कि ये जो ओलिफिन है इसको हम एल्केन में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग दीज होमोजेनियस कैटालिस्ट, ओके। तो होमोजेनियस कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन में जो एक्टिवेशन है हाइड्रोजन का तीन तरीके से होता है, ऑक्सीडेटिव एडिशन, हेटरोलिटिक एक्टिवेशन एंड होमोलिटिक एक्टिवेशन। तो देखिए कैटालिस्ट भी अलग अलग यूज हो रहे हैं सब जगह पर, तो ऑक्सीडेटिव एडिशन स्पेशली कहां पर होगा, जहां पर विल्किंसन कैटालिस्ट होंगे, स्ट्रॉक ऑप्स बॉन्ड कैटालिस्ट होगा, क्रेब्स की कैटालिस्ट होगा, और इसको हम डाइहाइड्राइड कैटालिटिक
हाइड्रोजनेशन कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर डाइहाइड्राइड कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। हेट्रोलिटिक एक्टिवेशन कब होगा, जब रुथिनियम के कॉम्प्लेक्स यूज करेंगे एज अ कैटालिस्ट, और मोनोहाइड्राइड कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन है क्योंकि यहाँ पर बेस का यूज करते हैं जो कि इसको हेट्रोलिटिकली क्लीव करता है हाइड्रोजन को, और मोनोहाइड्राइड कॉम्प्लेक्स का यूज का फॉर्मेशन होता है। तीसरे तरीके का जो एक्टिवेशन है होमोलिटिक एक्टिवेशन है, जो कि इक्विची कैटालिस्ट करता है और ये होमोलिटिकली एच को क्लीव करता है, और कोई भी इसमें हमें जो बेस है उसकी जरूरत नहीं होती है। ये जो कैटालिटिक साइकिल ऑक्सीडेटिव एडिशन की है, उसमें पहला स्टेप ऑक्सीडेटिव एडिशन होगा, देन माइग्रेटरी इंसर्शन एंड देन रिडक्टिव एलिमिनेशन इन केस ऑफ विल्किंसन कैटालिस्ट। अगर हम शॉक ऑक्स बॉन्ड देखेंगे तो पहले कोऑर्डिनेशन होगा ओलिफिन का, देन ऑक्सीडेटिव एडिशन, देन माइग्रेटरी इंसर्शन एंड देन रिडक्टिव एलिमिनेशन। हेट्रोलिटिक में एक्टिवेशन में अगर हम देखेंगे तो आप देखेंगे कि जो कैटालिस्ट है वो स्पेशली एक ऐसा कैटालिस्ट है जो कि कोऑर्डिनेटिवली अनसैचुरेटेड है, और यहाँ पर पहले कोऑर्डिनेशन होता है, देन बीटा माइग्रेशन होता है, देन जो लास्ट से पहले का स्टेप है वो ऑक्सीडेटिव एडिशन है, शुरू का स्टेप नहीं है ऑक्सीडेटिव एडिशन। तो ये जो है हेट्रोलिटिक क्लीवेज है, देन होमोलिटिक एक्टिवेशन में आप देखेंगे एक स्टेबल स्पीसीज ऐसी होनी चाहिए जो कि फ्री रेडिकल स्टेबल बना सके। तो यहाँ पर आप देखेंगे प्री कैटालिस्ट कुछ और है, और जो एक्चुअल में कैटालिस्ट है वो एक्टिव कैटालिस्ट आफ्टर एक्टिवेशन होता है, इस हाइड्रोजन के एक्टिवेशन के बाद एक कैटालिस्ट का फॉर्मेशन होता है, और वो आप देख रहे हैं कि दो केस में होता है, हेट्रोलिटिक एंड होमोलिटिक में। जो एक्टिव कैटालिस्ट है वो कुछ और होता है, और जो प्री कैटालिस्ट है वो कुछ और है। तो इस तरीके से आप देखेंगे यहाँ पर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू जो बायन्यूक्लियर ऑक्सीडेटिव एडिशन हम इसको कह सकते हैं, उसके थ्रू एक एक्टिव कैटालिस्ट बनता है, और फिर उसका क्या हो सकता है कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। हमने देखा कि जो फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं वो है टाइप ऑफ कैटालिस्ट, उस पर डिपेंड करेगा, जब एक बल्कि ग्रुप आसानी से निकल सके, या फिर अगर बॉन्ड बल्कि ग्रुप कब निकलेगा, जबकि जो स्पीसीज है उसके और बल्कि ग्रुप के बीच का जो बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, ठीक है। और पॉजिटिव चार्ज जैसे जैसे इंक्रीज होता है वैसे वैसे हाइड्रोजनेशन का जो रेट है वो बढ़ता है। सबस्ट्रेट की पोलैरिटी अगर हम देखेंगे ओलिफिन की, तो जितनी ज्यादा पोलर ग्रुप्स जुड़े हुए होंगे ओलिफिन के साथ उतना तेज रिएक्शन होगा। सब्स्टिट्यूशन मोनो सब्स्टिट्यूटेड जो ओलिफिन है उस पर क्या होगा, जो कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन है वो फास्ट होगा। ये डिफरेंट एग्जांपल्स हैं। देन मैंने आपसे कहा कि जो डायरेक्टिंग इफेक्ट है, अगर कोई ग्रुप पहले से ही प्रेजेंट है वहां पर, तो उस ग्रुप के सेम फेस पर जो हाइड्राइड है वो अटैक करता है इन प्रेजेंस ऑफ होमोजेनियस कैटालिस्ट। और फिर आपने देखा कि ये जो कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन है, इट इज एन इंपॉर्टेंट प्रोसेस फॉर एसिमेट्रिक हाइड्रोजनेशन, जिसकी हेल्प से हम डिफरेंट स्टीरियो आइसोमर्स बना सकते हैं, विच कैन बी यूज इन दी ड्रग फॉर्मेशन, ड्रग इंडस्ट्रीज में इनको यूज किया जा सकता है। सो दिस इज ऑल अबाउट कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन रिएक्शंस। ओके, सो थैंक यू वेरी मच।